दोस्तों, इस समय पूरी दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के परिणामों पर एक बहस छिड़ी हुई है और लोगों को बहुत उत्सुकता है कि कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारे भविष्य को आकार देने जा रहा है। उन लोगों के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में शायद नहीं जानते होंगे, तो उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का मतलब आप बस इस तरह से समझिए कि जब इंसान की बनाई हुई कोई मशीन खुद से बिना किसी इंस्ट्रक्शंस के अपने डिसीजन लेना शुरू कर दे, यानी कि मशीन खुद से सीखे, प्लान करे और प्रॉब्लम को सॉल्व करे। वो समय अब दूर नहीं है, बस कुछ ही सालों बाद। हम उम्मीद करते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रभाव हमारे जीवन में दिखाई देने लगेंगे, लेकिन वास्तविकता ये है दोस्तों कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अभी भी हमारे डिसीजंस और हमारी लाइफ स्टाइल को प्रभावित कर रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो मैं सौरभ त्यागी आज आपको ऐसे 10 उदाहरण बताने जा रहा हूं जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज होता है और हम रोज उन्हें अपनी लाइफ में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसे अपने स्मार्टफोन पर देख रहे होंगे। स्मार्टफोन को हम लगभग हर समय अपने पास रखते हैं और इसका इस्तेमाल भी करते हैं, और इसकी डिपेंडेंसी हम सभी के लिए बहुत ही अधिक हो गई है। खैर, अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, अब आप इसे चाहे जानते हो या नहीं। जैसे कि बिल्ट इन स्मार्ट असिस्टेंट, आपके फोन के कैमरे का पोर्ट्रेट मोड हमारी लाइफ को रोज प्रभावित करते हैं। जब आप कोई फोटो खींचने के लिए अपने फोन के कैमरे के पोर्ट्रेट मोड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसके पीछे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कर रहा होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कैसे गूगल पिक्सल 2 इतनी शानदार पोर्ट्रेट फोटो खींचता है, और वो भी सिंगल लेंस के साथ? और इसका जवाब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। दोस्तों, स्मार्ट कार और ड्रोन, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। कुछ साल पहले तक तो ऑटोमेटिक कार यानी कि स्वचालित कार एक सपना ही थी, लेकिन वर्तमान में टेस्ला कंपनी की सेमी ऑटोमेटिक कार सड़कों पर दौड़ रही है। अमेजन और वॉलमार्ट जैसी कंपनियां अपने प्रोडक्ट डिलीवर करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करने लगे हैं। वैसे भी ड्रोन्स का इस्तेमाल तो मिलिट्री पहले ही सफलतापूर्वक करती आ रही है, और इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा रोल होता है। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि स्मार्ट कार तो मुझे प्रभावित नहीं करती है क्योंकि वो तो मेरे शहर में है ही नहीं, तो फिर उन चीज़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है जिसे आप रोज इस्तेमाल करते हैं? आपने ट्विटर पर ट्वीट तो किया ही होगा। चलिए, ट्विटर अगर आपकी चॉइस नहीं है तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर और भी इसी तरह का सोशल मीडिया का इस्तेमाल आप डेली लाइफ में जरूर करते होंगे। अगर आप सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं तो डेली आपके डिसीजंस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट प्रभावित कर रहा है। अगर आप YouTube पर वीडियो देखते हैं तो आपने देखा होगा कि YouTube आपको रिकमेंडेड वीडियो भी शो करता है। ये सभी वीडियो आपके पसंद की होती हैं और आप घंटों YouTube पर रिकमेंड की गई वीडियोस को देखते रहते हो। जब आप रिकमेंडेड वीडियोस पर क्लिक करते हो तो आप इतना समझ लीजिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। वो आपके डिसीजंस को प्रभावित कर रहा है। वीडियो गेम इंडस्ट्री शायद ऐसी पहली इंडस्ट्री है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया है। आप जब भी कोई गेम खेलते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल जरूर होता है। आप जब भी इस तरह के गेम जैसे CSGO, PUBG और Fortnite इत्यादि खेलते हो तो आप बहुत से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर बूट्स के खिलाफ खेल रहे होते हो, या फिर अगर आप कोई सिंगल पर्सनल स्टोरी मोड गेम भी खेलते हो तो उसमें भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉसेस के खिलाफ ही खेल रहे होते हो, या फिर जब भी आप कोई बाइक रेसिंग गेम खेल रहे होते हो तो वहाँ भी आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बॉसेस के खिलाफ दौड़ रहे होते हो, जो कि आपके डिसीजंस को हर समय प्रभावित कर रहे होते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करने वाली सबसे बड़ी इंडस्ट्री अगर कोई है तो वो है ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट नेटवर्क, जो कि न केवल यूजर के स्टेटिस्टिक्स को ट्रैक करती है बल्कि स्टेटिस्टिक्स के बेस पर दूसरे ऐड भी प्रोवाइड करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इस इंडस्ट्री को इतना सक्सेसफुल बना दिया कि इंडस्ट्री 250 बिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस क्रॉस कर चुकी है। तो अब जब भी आप ऑनलाइन ऐड या फिर प्रोडक्ट रिकमेंडेशन देखें तो समझ लीजिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको प्रभावित कर रहा है।
अब तक आप समझ ही चुके होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना इम्पैक्ट हमारी डे टू डे लाइफ पर पड़ रहा है। आपने गूगल या एप्पल मैप तो जरूर यूज किया होगा अपना रोड रूट जानने के लिए, या फिर ऊबर ओला को कॉल किया होगा, या फिर फ्लाइट टिकट बुक की होगी। इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है। दोस्तों, आपने जरूर ध्यान दिया होगा, जब भी आप गूगल मैप या एप्पल मैप यूज करते हैं तो आपको डिफरेंट डिफरेंट रूट बताने के साथ साथ रियल टाइम ट्रैफिक डेटा भी आपको प्रोवाइड करता है। इसी तरह से जब आप ऊबर या ओला ऐप को यूज़ करते हैं तो आपकी लोकेशंस के बेस पर आपके लिए प्राइस एंड मैचिंग कार भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही डिसाइड होती है। क्या आप जानते हैं कि बैंक और फाइनेंशियल इंडस्ट्री भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है? अब चाहे फिर कस्टमर सर्विस हो, फ्रॉड प्रोटेक्शन हो, या फिर इन्वेस्टमेंट, इन सभी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा अहम रोल रहता है। जब भी आप बैंक कस्टमर सर्विस यूज़ करते हुए चैट करते हैं तो बहुत उम्मीद होती है कि आपको दूसरी तरफ से रिप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बूट कर रहा होता है। फाइनेंशियल इंडस्ट्री के जितने भी बड़े प्लेयर हैं वो सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल डाटा को एनालाइज करके बड़े इन्वेस्टमेंट प्लान करने में करते हैं, जिसमें रिस्क कम और प्रॉफिट ज़्यादा हो। इन सभी को देखते हुए दुनिया के बड़े बैंक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अपना इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट जल्दी या बाद में आपको दिखाई भी देगा। दोस्तों, मैंने अभी कुछ महीनों पहले इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT पर एक वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने स्मार्ट होम का जिक्र किया था। वैसे मुझे लगता है कि फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पावर्ड हाउस बनाने में तो अभी दशकों लग जाएंगे, लेकिन फिर भी हम बहुत सी ऐसी स्मार्ट होम डिवाइस खरीदते हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करती हैं हमारे बिहेवियर को जानने के लिए, ताकि वो हमारे अनुसार खुद की सेटिंग को चेंज कर सके। जैसे स्मार्ट वॉइस असिस्टेंट, जिसका इस्तेमाल हम स्मार्ट होम डिवाइस को कंट्रोल करने में करते हैं, या फिर स्मार्ट लाइट्स, जो कि लाइट की इंटेंसिटी और कलर टाइम के हिसाब से चेंज करती रहती है। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब स्मार्ट होम में इस्तेमाल होने वाली सभी डिवाइस का इंट्रैक्शन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही होगा। सिक्योरिटी एंड सर्विलांस सिस्टम में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बड़ा रोल प्ले होता है। अब चाहे ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन हो या फेशियल रिकॉग्निशन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन सभी को दिन पर दिन बेहतर करता जा रहा है। किसी भी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो एक साथ हजारों कैमरों को मॉनिटर कर सके, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ये सब पॉसिबल हो सकता है। अब वो दिन दूर नहीं है जब विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा ही सिक्योरिटी कैमरों को मॉनिटर किया जाएगा। तो दोस्तों, अभी आपने देखा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कितना बड़ा इम्पैक्ट हमारी डेली लाइफ पर पड़ रहा है। चाहे हम स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं, या फिर इंटरनेट सर्फिंग करते हैं, या ऑनलाइन कोई सामान खरीदते हैं, नेविगेशन सिस्टम यूज़ करते हैं, या फिर सोशल मीडिया पर अपना समय बर्बाद करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट हमें हर तरह से प्रभावित कर रहा है। आप भी कमेंट्स के माध्यम से बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इम्पैक्ट आपकी लाइफ में कितना हो रहा है। आज बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।